दूसरे ओडीआई के हार के बाद भारतीय टीम की ट्रोलिंग के साथ साथ गौतम गंभीर हेड कोच का भी ट्रोलिंग चालू हो गया। जी हाँ, कुछ लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि गौतम गंभीर वो T20 की कोचिंग किए हैं, चाहे वो लखनऊ सुपर जॉइंट की बात करें या KKR की बात करें। उन्होंने अभी तक ODI में किसी भी कोचिंग को नहीं किया, मतलब किसी भी टीम को कोच नहीं किया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन गौतम गंभीर काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन गौतम गंभीर कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे, ये लोगों का कहना है। देखो, ये सारे एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आने वाले जब बड़ी सीरीज़ में जब भी मौका मिलेगा या जब भी ज़रूरत होगी टीम को, तो वो सामने बाहर निकल के आएंगे, चाहे वो रियान पराग बॉलर हो या रिंकू सिंह हो या सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा की गेंदबाज हो। मान लेते किसी बॉलर ने किसी दिन खराब बॉलिंग की या किसी बल्लेबाज ने कुछ ख़राब बल्लेबाजी की, तो वो दूसरा आके उसका जगह ले सकता है, ये एक मेंटेलिटी हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, अब पता नहीं कोच क्या चाहते हैं या फिर जो सेलेक्टर वो क्या चाहते हैं टीम से, लेकिन अभी हार का जो सारा दारोमदार कोच पे नहीं है। कुछ ऑल मतलब कुछ क्यों बोलते टैलेंडर, मतलब कि जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छा नहीं खेला, रोहित शर्मा ने काफ़ी शानदार खेला, यहाँ तक अक्षर पटेल ने भी खेला। इन दोनों प्लेयर में आपका फेवरेट कौन है कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इंडिया टीम में कौन फेवरेट खिलाड़ी है आप नाम कमेंट करिए।